उड़ीसा में हुए रेल हादसे पर लालू प्रसाद यादव का गुस्सा। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पेयर। देखिए, उड़ीसा में जिस तरीके से रेल हादसा हुआ है, तीन ट्रेन आपस में टकराती है और उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हजारों की संख्या में घायल और मौत का आंकड़ा लगभग 400 से पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर से मोदी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह लापरवाही है, लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा कि यह लापरवाही है, लापरवाही के कारण इतनी बड़ी हादसा हुआ है, लालू प्रसाद यादव गुस्से में नजर आए। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस पर दुख अपना प्रकट कर चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार भी अपना दुख प्रकट कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने बड़ा आरोप लगाया उड़ीसा में रेल हादसे को लेकर, क्या कुछ कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जरा सुनिए। और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। हजार लोग जो है घायल हैं। अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने। हादसा हो गया है, रेल हादसा उड़ीसा में जी। बहुत फास्ट ट्रेन है, चेन्नई के लिए, चेन्नई जाती है मद्रास, उस पर हम भी यात्रा किए हुए हैं। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, जो खबर है लगभग 800 लोगों की मृत्यु हुई है, बेसी भी होने की काफ़ी संभावना है। इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग है इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए और मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपया का मुआवजा और घायलों को 5-5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। बड़ी लापरवाही हुई, बहुत बड़ी लापरवाही, काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। रेल को चौपट कर दिया, खत्म। आप लोग हमेशा रेल मंत्री रहे, उसके बाद भी आप बोलते रहे लल। हाँ, बोलते रहे। एक सवाल है, विपक्षी एकता को लेकर के भी काफी एक पहल की जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा, कितनी सफलता मिलने की उम्मीद है? काफी सफलता मिलेगा। सुने ना, आरोप लगाए हैं और यह भी कहा है कि जो मुआवजा मिल रहा है लोगों को वो जल्द से जल्द मिलना चाहिए। देखिए, 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। इसके अलावा 2-2 लाख रुपए पीएम राहत कोष से भी पीड़ित परिजनों के आश्रितों को दिया जाए, पीड़ित के परिजनों को दिया जाएगा, पीड़ित के जो आश्रित हैं उन तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। कुछ देर पहले ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंची हैं और लालू प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस रेल हादसे को लेकर क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, देखना यह है कि आने वाले समय में जब रेस्क्यू खत्म होता है, आखिर कितने लोगों की मौत हुई है इस बड़े रेल दुर्घटना में, रेल हादसे में। आप समझ सकते हैं मुसीबत बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने लापरवाही का बड़ा आरोप लगाया है और क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनवाया है। देखिए, विपक्षी एकजुटता की मीटिंग भी होनी है 12 जून को। उससे पहले कहीं ना कहीं सरकार